तो फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि हरी सब्जियां खाकर हम बोर हो जाते हैं, या घर में कोई सब्जी ना हो तो हम राजमा, छोले, दाल फ्राई वगैरह ही बनाते हैं। आज मैं भी राजमा बना रही हूँ और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इस तरीके से राजमा बना लिया तो बार बार आप इसी तरीके से राजमा बनाना चाहोगे। इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिया है, जिसे हम टुकड़ों में, चार चार टुकड़ों में कट कर लिया है। अब एक कुकर लेंगे, इसमें मैंने रात भर भिगाया हुआ 100 ग्राम राजमा डाल दिया है। अब इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसे पकाने के लिए हल्का सा नमक डालेंगे और कुछ साबुत खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। अब 400 ml पानी इसमें डालेंगे और 5 से 6 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। जब तक राजमा पक रहा है, तब तक हम प्याज को चॉप करेंगे। ये मैंने 5 प्याज लिया है, जिसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। 5 से 6 लहसुन लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। प्याज चॉप करने के बाद, ये प्याज चॉप हो गया है तो प्याज चॉप करने के बाद हम अदरक और लहसुन को दरदरा कूट लेंगे। अब मसाला की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे पानी में घोल लेंगे। कोई भी सब्जी मसाला या सब्जी को पानी में आप घोलने के बाद बनाते हो तो मसाला जलता भी नहीं है और स्वाद अच्छा आता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल लेंगे, इसमें जीरा डाल देंगे आधा चम्मच और हींग डाल देंगे। इन सबको अच्छे से पका लेंगे। ये पक गया है तो इसमें कटा हुआ प्याज को डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनकर लो फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 मिनट तक के लिए ढककर पकने देंगे, ताकि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। प्याज अभी सॉफ्ट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे भूनकर इसे फिर से ढककर पकने देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है हमें। अब चेक करेंगे, प्याज सॉफ्ट हो गया है। इसे चलाकर हम देख लेंगे। अब इसमें हमने घोला हुआ मसाला को ऐड कर दिया है और इसे भी 1 से 2 मिनट तक के लिए हम भून लेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसे ढककर हम मसाले को पकने देंगे। इधर हम चेक करेंगे, राजमा देख सकते हैं बिल्कुल पक गया है। इसे चेक कर लेंगे हम, और ये टमाटर के छिलके को हम आसानी से इसे निकाल लेंगे। राजमा देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गया है। इधर मसाला भी भून गया है, तो इसमें हम 1/4 चम्मच राजमा मसाला या छोले मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इसे भून लेंगे। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। उबालते वक्त जो पानी यूज हुआ है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसके साथ ही हम राजमा को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब इसमें आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे स्वाद भी काफ़ी बेहतर हो जाता है और सब्जी में कलर भी आ जाता है। और इसे ढककर हम 5 से 6 मिनट तक के लिए पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है, तो अब इसमें हम धनिया का पत्ता डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।